hello guys today i will be talking about the fluorescence microscopy i hope you are uh, very well okay the, in this previous video lecture we are talking about the uh, bright filled microscopy dark filled microscopy and a phase contrast microscopy in this video lecture we are talking about the fluorescence microscopy तो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी स्टडी इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर दैट वेनेवर द स्पेसीमैन इट्स सेल्फ वर्क एज अ लाइट सोर्स ओके वेनेवर द स्पेसीमैन जो है ना वो खुद ही एक लाइट सोर्स एमिट कर रहा है यानी कि वो खुद एक फ्लोरोसेंट के रूप में है तब जाकर हम फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी का यूज करेंगे ओके okay? फ्लोरोसेंट मटीरियल का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं यानी कि कोई भी डाई यहाँ पर यूज़ करेंगे हम स्टेन को सॉरी इमेज को या फिर स्पेसमैन को स्टेन करने के लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे फ्लोरोसेंट मटेरियल या फिर फ्लोरोसेंट डाई ओके देन आफ्टर वन या फिर क्या हो सकता है कि स्टेनेड बाय द फ्लोरोसेंट मटेरियल एंड दिस स्टेनेड बाय द फ्लोरोसेंट डाई दिस डाई इज अ डाई है ना वो दो तरह की लाइट जो है वो इमिट करेगी फर्स्ट लाइट जो एमिट करेगी वो हो सके या फिर विजिबल लाइट हो या फिर वो इंफ्रारेड लाइट हो ओके अगर इंफ्रारेड लाइट हुई तो उसे हम हमारी विजिबल आई से नहीं दे सकते ओके हमें किसके थ्रू देखना होगा तो फोटोग्राफिक प्लेट के थ्रू या फिर कोई भी आ, हाई एब्जॉर्बेंस रिलेटेड जो भी प्लेट uh, है उसके थ्रू हमें देखना होगा ओके फ्लूरोसेंट डाई क्या है वो हम पहले जान लेते हैं ओके okay? तो फ्लूरोसेंट डाई जो है ना वो इज वन टाइप ऑफ द केमिकल विच एब्जॉर्ब द लाइट एट वन वेव लेंथ ओके कि वो क्या करती है लाइट सोर्स में से आई हुई कोई एक लाइट को वो क्या करती है एब्जॉर्ब करती है और उसमें से वो एमिट करती है लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट ओके यानी कि क्या होगा एब्जॉर्बेंस लाइट का हो रहा है लेकिन वो एक्साइट हो जाएगी लाइट और लॉन्गर वेवलेंथ में वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके थ्रू फ्लोरोसेंट डाई के थ्रू ओके विच टाइप्स ऑफ डाइस विच आर यूजफुल फॉर दैट फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी नाउ वी आर टॉकिंग द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इज दैट ऑफ फ्लोरोजिन एंड द रॉडे माइन ओके फ्लोरोजिन में क्या होता है ना कि जब ब्लू लाइट उस पर फॉल होगी ओके okay, लाइट के अंदर सेवन कलर्स होते हैं वी नो अबाउट एट ओके तो उसमें से जो ब्लू लाइट होगी जब फ्लूरोसो फ्लोरोजिन पर जब वो फॉल आउट होगी तब वो क्या होगा तो ग्रीन लाइट का हमें एमिशन मिलेगा ओके okay? और जबकि ग्रीन और येलो लाइट रोडे माइन पर फॉल करेगी तब रेड लाइट का एब्जॉर्बेंस हमें मिलेगा ओके यहाँ पर थ्री बेसिक कंपोनेंट्स की हम बात करने वाले हैं फर्स्ट होता है एक्साइटेशन फिल्टर सेकंड वन इज दट डाइक्रोमिक मिरर एंड द थर्ड वन इज दैट एमिशन फिल्टर और आल्सो वुट इज अ बैरियर फिल्टर ओके तो ये सारे जो फिल्टर है ये सारे जो कंपोनेंट्स है वो ओनली फॉर ओनली फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं कोई अदर माइक्रोस्कोपी के अंदर आपने देखा हो तो नहीं दिखने को मिलेंगे ओके okay? तो हम देखते हैं उसका रे डायग्राम यू सी अबाउट दैट दिस इज अ रे डायग्राम ऑफ दैट फ्लूरोसेंस माइक्रोस्कोपी यहां से क्या हो रहा है लाइट सोर्स बाहर निकल रहा है उसमें से ग्रीन ब्लू या फिर रेड लाइट जो है वो यहाँ पर एक्साइटेशन फिल्टर पर क्या हो रही है फॉल आउट हो रही है एक्साइटेशन फ़िल्टर एक ऐसा फिल्टर है कि वो प्रॉपर पर्टिकुलर लाइट को ही यहाँ से पास आउट होने देगा ओके okay? यानी कि हम हाँ यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं यू विजिबल लाइट तो उसमें से जो यू विजिबल में से जो विजिबल लाइट है वो ही एक्साइटेशन लाइट में कन्वर्ट होगी और डाइक्रोमिक मिरर पर क्या होगी फॉल आउट होगी डाइक्रोमिक मिरर जो है उसे क्या कर देता है रिफ्लेक्ट करता है स्पेसीमैन पर और स्पेसीमैन ऑब्वियसली उसके पास बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं तो जब भी वो लाइट कुछ कॉम्पोनेंट्स पर गिरेगी ओके okay, तो उसमें से कुछ ना कुछ लाइट एब्जॉर्ब होगी और वो हायर कैटेगरी की या फिर हायर एनर्जी के वेवलेंथ लाइट को एमिट करेगा कौन स्पेसीमैन ओके okay? और वो एमिटेड लाइट जो है ना वो बैरियर फिल्टर के थ्रू आगे बढ़ती है लेकिन उसमें चांसेस होते हैं कि उसमें कुछ लाइट जो है ना वो स्पेसीमैन में से पास आउट ना भी हो तो भी वो आगे चली जाती है लेकिन यहाँ पर बैरियर फिल्टर क्या काम करता है तो बैरियर फिल्टर का फंक्शन ये है कि विच इज़ ओनली पास आउट दैट लॉन्गर वेवलेंथ कंटेनिंग लाइट ओके थ्रू द आई पीस एंड देन आफ्टर वन आई ओके तो दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दैट फेस कॉन फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि क्या होता है यहाँ पर एक्साइटेशन फिल्टा है, होता है जो एक्साइट करता है लाइट को और डाइक्रोमिक मीर पर वो गिरा देता है डाइक्रोमिक मीर जो है वो उसे स्पेसीमैन तक पहुँचाने का काम करता है और देन आफ्टर वन स्पेसीमैन विच एमिट्स लॉन्गर वेवलेंथ कंटेनिंग लाइट एंड दिस इज एमिटेड लाइट विच क्रिएट्स फ्लोरोसंस ओके फ्लोरोसंस के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से स्पेसिमैन ऐसे हैं कि जो फ्लोरोसंस लाइट एमिट करते हैं आई होप यू आर क्लियर अबाउट दैट फ्लोरोसन्स माइक्रोस्कोपी In the next video lecture, we are talking about that difference between TAM or SAM.